नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन के नए नियमों के विरोध में सोमवार को बीटीसी प्रशिक्षुओं ने वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर धरना दिया। उनका कहना था कि बीएड उपाधि धारकों को प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाने की अनुमति देना उनके हितों के खिलाफ है। इससे 2 लाख बीटीसी प्रशिक्षुओं के रोजगार की संभावनाओं पर असर पड़ेगा। पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने उनके धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अजय राय और 3 कर्मचारियों के खिलाफ 5 करोड़ की धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। केस जिला सहकारी बैंक के जॉइंट कमिश्नर विनोद कुमार सिंह की तहरीर पर कैन थाने में दर्ज हुआ। जिला सहकारी बैंक में अनियमितता की शिकायत पर शासन ने बैंक के जॉइंट कमिश्नर विनोद कुमार सिंह को जांच सौंपी थी। जॉइंट कमिश्नर ने जांच में अध्यक्ष, सचिव, आंकिक सहायकार और लेखाकार को आरोपी पाया। इसके बाद मामले में FIR दर्ज कराई गई है। जांच में 5 करोड़ की गड़बड़ी मिली है। महापौर मृदुला जायसवाल ने सावन मेले से जुड़ी तैयारियां पूरी न होने पर गहरी नाराजगी जताई है। सोमवार को पार्षदों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में शिवालयों की ओर जाने वाले रास्तों पर सफाई, रोशनी, सीवर, शुद्ध पेयजल आदि के काम पूरे न होने पर उन्होंने अफसरों को 2 टूक कहा कि काम नहीं करेंगे तो आप लोग इस्तीफा दें, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। खेल निदेशालय अब हर वर्ष बनारस में पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की स्मृति में अखिल भारतीय प्राइज मनी प्रतियोगिता आयोजित करेगा। इसमें विजेताओं को 2 लाख और उपविजेता टीम को 1 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि तीसरे स्थान वाली टीम को 50,000 रुपए मिलेंगे। सरकार के प्रतिनिधि खेल निदेशक डॉक्टर RP सिंह ने मोहम्मद शाहिद के खजुरी स्थित आवास पर उनकी पत्नी परवीन से मुलाकात कर बताया कि हॉकी इंडिया से तारीख मिलते ही प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा कर दी जाएगी। परवीन पिछले काफ़ी समय से शाहिद के नाम पर खेल प्रतियोगिता आयोजित करने की मांग कर रही थी। पिछले दिनों इसे लेकर उन्होंने शाहिद को मिले तमाम पदक लौटा देने की धमकी तक दी थी। शिवदासपुर किरण पेट्रोल पंप से 200 मीटर दूर स्थित श्री मुल्तान ट्रेडर्स नामक सोडा और नमक के गोदाम में रविवार की रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले आग ने निचले तल के पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम के ऊपर रहने वाले कर्मचारी परिवार सहित इसमें फंस गए। बच्चों सहित सभी का नमक और सोडा के धुएं से दम घुटने लगा तो बेचारे बचने की गुहार लगाने लगे। पड़ोसियों ने बहादुरी का परिचय देते हुए कड़ी मशक्कत कर गोदाम के ऊपरी तल पर फंसे लोगों को नीचे उतारा और आग पर काबू पाया। चिराई गांव ब्लॉक के बरियासनपुर गांव निवासी 95 वर्षीय संतोरा देवी का रविवार को निधन हो गया। संतोरा ने अपने पति के निधन के समय नेत्रदान का संकल्प लिया था। इसके साथ ही ये भी कहा था कि मरने के बाद उनकी अर्थी को कंधा उनकी इकलौती बेटी ही देगी। पुष्पावती ने मां की इच्छा पूरी की। सभी ने समझाने की कोशिश भी की पर वह नहीं मानी। उसकी बात का घर की 3 बहुओं और गांव की अन्य महिलाओं ने भी समर्थन किया और सभी ने अर्थी को कंधा दिया और मिलकर शव यात्रा निकाली। शव यात्रा बरियासनपुर से निकलकर 1 किलोमीटर आगे चिराई गांव विकासखंड मुख्यालय तक गई और सराय मोहना घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। कैन पुलिस ने रविवार की रात पांडेपुर काली माता मंदिर के पास से 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लोगों के छीने गए 10 मोबाइल बरामद किए गए। इंस्पेक्टर कैंट राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि पकड़े गए आरोपी आशापुर निवासी अंकित पांडे और सिंकू सिंह हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है। स्नैचरों की टीम के सरगना राहुल तिवारी और उनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। BSNL CDAT कार्यालय पर कर्मचारियों ने 4G स्पेक्ट्रम सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया और 3 दिवसीय क्रमिक अनशन शुरू किया। कार्यालय के सामने अनशन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार BSNL की उपेक्षा कर रही है, उपभोक्ताओं को 4G की सुविधा से वंचित रखा गया है। जिला सचिव आनंद कुमार सिंह और अवनीत सिंह ने सरकार से BSNL को 4G स्पेक्ट्रम तुरंत देने की मांग की। सामाजिक संस्था आगमन के तत्वाधान में बेटियों को बचाने के लिए रविवार को कश्मीरीगंज खोजवा स्थित श्रीराम मंदिर में धर्म संसद का आयोजन हुआ। धर्म संसद में विभिन्न धर्मों के गुरुओं ने एक स्वर में भ्रूण हत्या को महापाप बताया और इस दिशा में सरकार को सख्त कदम उठाने की नसीहत दी। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत रामेश्वर पुरी ने कहा कि पेट में पल रही बेटी की हत्या जीव हत्या है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। श्री राम मंदिर के महंत स्वामी रामकल दास वेदांती ने कहा कि बेटी नहीं तो संसार भी नहीं। IIT BHU के निदेशक पद पर IIT रुड़की के मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट विभाग के प्रोफेसर प्रमोद जैन की नियुक्ति हुई है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने 5 वर्षों के लिए की है। प्रोफेसर जैन 1 सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि IIT BHU में शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ शोध की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आविष्कार के लिए उपयुक्त माहौल बनाया जाएगा ताकि युवा तकनीकी दक्ष नवीन विषयों पर काम करें।